बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको गुग्गा नवमी के बारे में कुछ बातें बताने जा रहे हैं। इनको पूरे ध्यान से सुनना और इस काम को जरूर करना। इंशाल्लाह ताला आपकी सभी मुश्किलों का हल होगा और पीरो मुर्शिद आप पर बेशुमार रहमो करम करेंगे। प्यारे दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया था कि रक्षाबंधन से आने वाली 27 तारीख तक गुग्गा जाहर पीर जी के दिन चल रहे हैं और कल 19 तारीख दिन सोमवार रक्षाबंधन का दिन है और उसी दिन से लेकर 27 तारीख तक गुग्गा नवमी के दिन चल रहे हैं। गुग्गा मांगने वाले आपके घर आएंगे या किसी आसपास के गांव में है तो उनकी सेवा, उनको आटा दाना तेल घी पैसा जो भी आप दान कर सकते हैं दान जरूर करें। दान करते समय दिल में कोई स्वार्थ ना रखें, कोई मनोकामना ना रखें, निस्वार्थ होकर बिना किसी मांग के गुग्गा जाहर पीर जी के नाम पर दान जरूर करना। वह दान इतना फलेगा कि पीरो मुर्शिद अपने आप आपकी हर इच्छा को, हर दुआ को कबूल कर लेंगे। जे आने वाले 8-9 दिन बड़े रहमो करम वाले हैं, करामाती दिन है। इन दिनों में आप पीर बाबा की सेवा करें, उनके चेलों की, मुरीदों की सेवा जरूर करें, उनका सत्कार करें और गुग्गा नवमी के दिन आप पीरो मुर्शिद के नाम पर दान करें। सेमिया चढ़ा सकते हैं, कच्ची लस्सी चढ़ा सकते हैं और जो भी आप दान कर सकते हैं दान जरूर करें गुग्गा नवमी के दिन। कृष्ण अष्टमी के दूसरे दिन ही गुग्गा नवमी होती है, 27 तारीख को इस साल गुग्गा नवमी है। उस दिन भी आप पीर बाबा की सेवा जरूर करना, उनके नाम पर दान जरूर करना। इंशाअल्लाह ताला गुग्गा जाहर पीर बहुत मेहरबान है, बहुत रहम वाले हैं, गरीब नवाज हैं। वे आपकी सभी मुश्किलों का तुरंत हल कर देंगे और आपको कोई कमी नहीं रहने देंगे। एक बार ये काम जरूर करना, गुग्गा जाहर पीर आपकी झोलियां भर देंगे। इतना मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते।